कि आपने कभी सोचा है कि जो ब्लाइंड पीपल है यानी जो लोग जन्म से अंधे है वो क्या देखते हैं और जब वो लोग सोते हैं तब उन लोगों की सपने कैसा होता होगा। इस वीडियो में आप कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन को जानोगे जिसको जानने के बाद आपको अपने आंखों से प्यार हो जाएगा। अगर आपसे पूछूं जो ब्लाइंड पीपल है वो क्या देखते हैं तो आप बोलोगे कि हम आंख बंद करने के बाद जो कलर देखते हैं मतलब ब्लैक कलर देखते होंगे। वैसे हम आंख बंद करने के बाद जो कलर देखते है इसको इगेन ब्रो कहा जाता है। लेकिन आप जरा सोचो अगर आंख बंद करने के बाद हम ब्लैक कलर को देखते हैं तो इसका मतलब हमारी आंख ठीक है तभी तो हम ब्लैक कलर को देख पाते हैं। दूसरी कलर की तरह ब्लैक भी एक कलर ही है। जो लोग जन्म से ब्लाइंड होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि शायद कैसे वर्क करते हैं, उनको पता ही नहीं होता ब्लैक कलर कैसा दिखता है तो लिटरली उनको ब्लैक कलर भी नहीं दिखता, उनको कुछ नहीं दिखाई देता मतलब एब्सोल्युटली नथिंग। जो लोग जन्म से ब्लाइंड होते हैं उनको इवन ब्लैक कलर भी दिखाई नहीं देता, उन लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं देता। आप जरा सोचो अगर आपसे पूछूं कि आपको अपने हाथ से क्या दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर तो कुछ नहीं है तो आप क्या बोलोगे कि कुछ नहीं। तो जो ब्लाइंड पीपल है उनको भी कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन अगर कुछ दिखाई नहीं देता तो फिर सोने के टाइम पे अपना आँख क्यों बंद करता है? वेल, इसका सिंपल सा जवाब है कि हमारी बॉडी का एक साइकोलॉजिकल सिस्टम है जो हमारी आंखों को ड्राई होने से प्रोटेक्ट करता है, इसके साथ आंखों में डस्ट जाने से भी प्रोटेक्ट करता है। और इसी वजह से आप देखना सुबह नींद से उठने के बाद आपके आंखों के कॉर्नर पे ड्राई टीयर्स जम जाता है जो हर सुबह हम क्लीन करते हैं। अगर आप इस ड्राई टीयर्स को एनालाइज करते हो तो इसमें आपको सॉल्ट, एपिथेलियल सेल, डस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मिल जाएगा। और इन्हीं सब चीजों के वजह से ब्लाइंड और नॉन ब्लाइंड पीपल सोने के टाइम पे अपना आंख बंद कर लेता है। लेकिन क्या वो लोग हमारे जैसा सपने देख सकता है? हम विजुअली सपने को देखते हैं। हमारा जो सपने होते हैं वो कलरफुल होता है लेकिन क्योंकि उन लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता, उनको पता ही नहीं होता कि कलर होता कैसा है तो उन लोग विजुअली सपने को नहीं देख पाता। इसके बदले वो लोग सपने को फील करता है, उन लोगों को सपने में आवाजें सुनाई देता है और उन लोगों की स्लीप हमारी कंपैरिजन में कम होता है। और यू कह सकते हो उन लोगों को नाइटमेयर यानी बुरे सपने ज्यादा फील होता है एज कंपैरिजन टू अस। इस वीडियो देखने के बाद आपके मन में सवाल आ सकता है कि ये सब मुझे कैसे पता क्योंकि मुझे तो दिखाई देता है। वेल, इन सारे चीजों को लेके बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च हुआ है और इन्हीं सभी रिसर्च के कलेक्टिव इंफॉर्मेशन से ये वीडियो बना है। तो आपको ये पूरा इंफॉर्मेशन कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। मिलते हैं कुछ न्यू एक्साइटिंग इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय।